आज नगर के गंगा तट पे बैंड बाजे के धुन से वो पटाखों की गूंज से बड़े ही धूमधाम से भरी जनसंख्या में लोग मौजूद रहे। छठ महापर्व की शुरुआत के इस दौरान लोग डालिया में पूजा की सामग्री को लेकर गंगा तट पे जाकर पूजा की सामग्री को बालू की पिंडों को बनाकर पूजा अर्चना की। गन्नों का गढ़ कर मंडप बनाया गया। अस्त होते ही सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए लोग एकत्रित हुए, अस्त होते ही अपने घरों को रवाना हुए। बताया जाता है महाभारत काल में सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। इन सब बातों के अनुसार लोगों की आस्था जुड़ी है और लोग की मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के बालू घाट में आज भरी जनसंख्या में लोगों की उमड़ी भीड़। छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार जो इन लोगों के लिए बहुत ही खास त्यौहार माना जाता है। उन्नाव से अविनाश कुमार की खबर। पूजा ये 3 दिन तक रहती है। पहले दिन लौकी चूहा खाई जाती है, दूसरे दिन खीर दोस्ती खाई जाती है और फिर नीरा चल रहा जाता है, फिर तीसरे दिन नदी किनारे आया जाता है, फल वल लेकर गन्ना भी रहता है और लोगों के साथ डलिया रहता है, सारे फल रहते हैं, फिर नदी किनारे इनको मतलब रखा जाता है और फिर गन्ने को मंडक बनाया जाता है पानी के अंदर और पानी में खड़ा हुआ जाता है और सूर्य देव को मतलब सामने खड़े रहते हैं।